बंद कर रखा है। गले में आपको पता था कि अल्सर हो गया था, उस वजह से हल्का फुल्का कार्यक्रम अपना कर रहे थे। एक आध कार्यक्रम इनका आप लोगों ने करा दिया था, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कह रहा था और भाई साहब ने कोई बात कही, अरविंद जी ने, अब पता नहीं कि किससे कहा इस बात को कि जो व्यक्ति जवाबी की क्रिया को ही नहीं जानता है, बिल्कुल दिनेश जी का उसका कार्यक्रम उसके गुरु से करा दें, या तो इस बात को फाइनल करें या उसके बाद मैं फिर कुछ बोलूं। जय जय या तो अरविंद जी आपने अगर मुझसे कहा है ना, तुमसे नहीं कहा, मुझसे कहा, भी किसी से भी कहा था, मुझसे अगर कहा है तो जय जय की जय जय। अगर इससे कहा है तो कोई बात नहीं, अगर मुझसे कहा है तो इस बात को आप ध्यान रखें, जवाबी में पहुंचने वाले आप बाद में हैं, अगर मुझसे कहा है तो। चलो छोड़ो भैया, माटी डालो इन पर। और आज भी आपको भी शुद्ध जवाबी का ज्ञान नहीं है साहब। देखिए मैं एक बात शास्त्री जी हम कहूंगा, सभी से कह रहे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल इतना है कि रात कटने दो और समय गुजरने दो। देखिए हमारा तो मतलब बस इतना है, बस संजय चाचा से और गाड़ी वाले चाचा से, इन दो लोगों से मतलब है हमारा। मैंने कहा कि हुआ क्या हुआ आगे क्या हुआ, हुआ क्या हुआ सत्यानाश जाए त्यारो। चलो कम से कम एक अनाड़ी बैल होए करे, ज्यादा करे तो थोड़ा सा लीक काट के चले। तुम तो लीक की ऐसी तैसी कर रहे हो, नहर में कूद रहे हो गाड़ी लेके हैं। पूर्वांचल में अगर आप जाएंगे ना, छोटा भी कलाकार हो ना तो बड़ा कलाकार उसकी रात को कटवाता है। जी बेटा, लेकिन ये शब्द प्रयोग नहीं होते ना? ये तुम्हारे यहाँ रसिया बाजन में होते हैं। और सुनिए, बिटिया प्याहन आऊं उनकी, आज उखेड़ू पखियां। एक काफिया लाए थे, इनके मुंह पे भिनक रही मक्खियां। ये कौन सी भाषा है, कितनी सुंदर लेखनी, भोजपुरी या फिर गढ़वाली या तमिल, कहां से भाषा का प्रयोग किया है? ये व्याकरण में मक्खियां शब्द कहां से लाए आप? क्या करें, मक्खियां बोल सकते हैं, ये चाचा लिख रहे हैं, संजय चाचा मक्खियां लिख सकते हैं, लेकिन मक्खियां नहीं, मक्खियां मैंने नहीं। अरे त्यारो घुस में नान जा त्यारो। और मेरी बात कर रहे हो तो मैं चाहे भले ही कुछ भी है, लेकिन मैं उस गुरु का चेला हूं जिनके चलने पर धूप जला करती है। वाह भाई वाह। लेकिन समय की बात है, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया है। क्या करें? आप सभी परिचित होंगे रेशम कानू वालों से, चाहे कैसे भी समझ लीजिए, आप जैसे कह रहे आप तो महान है, कोई कार्यक्रम लेने के लिए तैयार नहीं होता था। हाँ, जब ऐसे ऐसे लेखक पैदा हुए इस चक्कर में उन्होंने गाना बजाना जवाबी का छोड़ दिया। ये हकीकत है, ये मेरी मजबूरी है, केवल गले की प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे भी हुई क्या हुआ ये तो भगवान जाने, भगवान किसी को ना करे ऐसा। लेकिन इन सभी खेड़ा वालों का प्यार मेरे साथ हमेशा रहता है, ये लोग जबरदस्ती कर देते हैं और कार्यक्रम गवा लेते हैं, प्यार की चिंता मत। लेकिन इतना कमजोर नहीं समझना जो आप चाटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपनी पे आ जाऊं फेंकूंगा तो नहर से पल्ली पार गिरोगे। ज्यादा मत फेंको, प्यार केवल काफी है। अरे धान कट जाएंगे, प्यार तैयार हो जाएगा। बीरे सु पूछे अभिमन्यु के, कंकन बंधाया रखिया। बेटा
ये है और जी ललटी बात। इस चीज का कोई ध्यान ही नहीं है। एक दिन अर्जुन सुत अभिमन्यु से लड़ गई अखियां। बताइए चाचा कुछ लिखा गाड़ी वाले चाचा बताइए। पीछे से हमारे जो कोरस वाले भैया हैं अरविंद भैया बताइए। बहुत सुंदर कोरस करते हैं, उन्होंने कई बार संकेत भी किया लेकिन फिर भी गाड़ी नहर में जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब जरा इधर आइए, इस चित्रपट संगीत को यहाँ से शुरू करें। ना तो कुछ नहीं जानते, केवल इतनी बात जानते। अरे रघु नंदन फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे लगुन आई रे अंगना। अब सुने, अरे ऐसे छोड़ के जाओगी तुम तो मर जाऊंगा प्यार में। अरे मर जाऊंगा प्यार से। किसी ने 200 रुपए के लिए बोल दिया था। इतना सस्ता दाम नहीं है यहाँ जितना आप सोच रहे हैं। बिल्कुल ओरिजिनलिटी कर दी है। मेरे जैसा पागल दीवाना तुम्हें एक साल हो गई, एक साल में तो यार तुम बहुत कुछ तैयार कर लेते। बिल्कुल ये नहीं है बुलेट पे चीजा। हाँ अरे मेरे जैसा पागल दीवाना होगा नहीं संसार में, होगा नहीं संसार में, होगा नहीं संसार में। बुलेट पे जीजा देखा होगा, खेत में जीजा नहीं देखा होगा। जो लाया के खेत में मिलेगी तो मामला पड़ जाएगा बहुत लंबो। दत्ता दत्ता, अगर मैं फुलझड़ियां छोड़ने पे आ जाऊं तो बहुत कुछ छोड़ सकता हूं। आइए गौर करें। हुन्ना हुन्ना रे हुनर दी ये हुन दी। क्या बात है। हुन दी ये बात हुनारी। आप परेशान रहोगे सारी रात, इसलिए मैं चाह रही हूं। मौसम सज्जा पे सुराग, आमिर सज्जा पे गिराग, गिरी होती रे उठाई ले पे ईमान मरी होती। उठाई ले पे ईमान मरी होती, उठाई ले पे ईमान मरी होती। रिया का बड़ा बाग माचा तीरे, रिया का बड़ा बाग माचा तीरे। अमारे फल तोड़ ले लाती, अमारे फल तोड़ ले लाती। ऐसी बात नहीं है, हर कलाकार पर अपनी अपनी एक एक धुन होती है। गीत आया है इधर से। मैं तो मना करता हूँ केवल संजय चाचा से, बाड़ी वाले चाचा से, क्यों ऐसे लेख लिखते हो। नहीं चाचा तो चाचा ही है। अरे तूने कैसा जादू किया, बुलेट पे चीजा, बुलेट पे चीजा। अरे काहे घुमाए गेट पर चीजा, बुलेट पे जीजा, खेत में ना देखे जीजा। बदनाई भूल गई बकरियां चुमावे आई। तमना कह रही संजय चाचा, छोड़िए समय को देखिए। और तूने कैसा जादू किया, तूने ओ जादू कर। इतनी मेहनत करो बस, आनंद आता रहेगा जवाबी में। अब इतना का पूरा ही कागज पे किसी बच्चे से कहा कि कल तुम्हें हरी हरी घास चोटी हुई घास का चित्र बना करके लाना है। जय जय। लड़का बहुत तेज था हमारे सीपी जैसा। हाँ। लड़का आ गया। बिल्कुल। सर जी ने कहा बना लाए, बोले बिल्कुल, और बोले दिखाओ। तो खाली पन्ना दे दो हाथ में, वानी ये ले। बोले ये बता इसमें गाय कहाँ है। हाँ बेटा चित्र इधर बनना है, उसमें कुछ नहीं है बेटा, ये वीडियो बनना है, ये चित्र बना रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा चल छोड़ का है, छोड़ इतने शर्मिंदा हो चुके। ये बता इसमें हरी हरी घास कहाँ है। लड़का बोला सीपी बाग, बोले गाय चर गई। गाय चर गई, बोले चल ठीक है लेकिन गाय कहाँ है। बोले घास खत्म है गई, दूसरे खेत में चली गई, खाली है। जाओ भोलेनाथ का डमरू कैसे बजेगा।
से आराम से। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, तूने कैसा जादू किया चाचा ओ जादूगर। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कह रहे हैं अरे चूड़ी लेके आया चाचा रोजा बात है शहर, अरे देव की माँ ने जन्म दिया, देव की माँ ने जन्म दिया पहुंचे जसूदा के घर। ये सीपी भैया आ रहे हैं और गिरधर धारी है गिरधर, पैदा हो गए मुरलीधर, गिरधर धारी है गिरधर, पैदा हो गए मुरलीधर, गिरधर धारी है गिरधर, पैदा हो गए मुरलीधर। ये सुने सत्यवती ने वो पैदा प्यास किए, वो पैदा प्यास किए, प्यास किए। और माने ना माने ना वो बेटा पास किए, माने ना वो बेटा पास किए, माने ना वो बेटा पास किए। ये जो व्यास जी थे जिनका पालन पोषण माला के द्वारा जो हुआ, लेकिन गौर करें जिधर हुए हैं पैदा जी रहे ना उधर, क्योंकि जन्म होते ही नाल कंधे पे डाल करके चल दिए थे। जी बेटा, मैं उनके पुत्र की बातें कर रहा हूँ, उनके पिताजी। हाँ पुत्र की बात कर रहा हूँ, चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जवाब जिधर हुए हैं पैदा, प्यास जी रहे ना उधर। बेटा अब पकड़ी गई चोरी, क्योंकि जब से चाचा जी लिख रहे थे जिन्होंने, अब रागल जी लिख रहे हैं, जिन्होंने ग्रंथों को लिख कर, जिन्होंने ग्रंथों को लिख कर दीना जन जन में भर, जिन्होंने ग्रंथों को लिख कर दीना राघव जी इधर आइए।
बहुत सुंदर। देखिए करें तो करें क्या, यही तो समस्या। अरे नाम तुम्हारा मैं लेके जिए आठो यार, हुई गली गली बदनाम, हुई गली गली बदनाम, ओ मेरी नाम गली 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 बदनाम। देखिए जवाब में लिखा है लेने परीक्षा आए लेकिन कोई खुद दे बैठे दीक्षा, बालक बनकर वो तीनों ही पूरन करते इच्छा, बालक बनकर वो तीनों ही पूरन करते इच्छा, वो करके पैदा वो करके ये पैदा घर में ये कले, अंगूठा पीते पर जापति अंगूठा पीते ब्रह्मा प्रपति, अंगूठा पीते पर जापति। बहुत सुंदर। घटा छाए रही है बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। देखिए
भाई जाते उनके देश, कोई जाते जाते तुम सुनो कोई ये मेरा संदेश। भगवान कन्हैया आज शांति दूत बन करके कौरवों के पास जा रहे हैं। क्या बात है, जाते जाते तुम सुनो कोई ये मेरा संदेश। तो द्रौपदी ने भगवान कन्हैया से कहा, क्या जो अंधों के अंधे हैं आप उनके पास में चाहे कितने भी दीपक लेकर के चले जाओ, बहुत सुंदर उनके जीवन में उजाला कभी हो नहीं सकता। बोले आप जो समझाने जा रहे हैं वो इनके पास से नहीं गुजरी है, ये मानेंगे नहीं। कहती है द्रौपदी, सुनो शांत के दूत माधव मुरारी, माधव मुरारी ये माधव मुरारी ये माधव मुरारी, यही आज तुमसे है कोई विनती हमारी। मेरा भेष देख लो, जय हो, मेरा भेष देख लो, मेरा भेष देख लो, खुले केस देख लो, आइए गौर करें। पहले बंद में द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया कि अगर झूठ सच को रखो एक तुला में, बहुत सुंदर, झूठ और सच को एक तुला में रख करके तोला जाए, अगर झूठ सच को रखो एक तुला में, जो नीचे झुकेगा वही सत्य होगा। बहुत सुंदर, जो नीचे झुकेगा वही सत्य होगा, फलदार व्यक्ति झुकता है नीचे। मगर आज है पाप का पल्ला भारी, जो अब हो रहा है वही नित्य होगा, जो अब हो रहा है वही नित्य होगा। बहुत सुंदर, मानते ही नहीं है, बहुत समझाए। न बच्चे से देख लो, न बच्चे से देख लो, खुले केस देख लो, मेरा फेस देख लो, खुले केस देख लो, न बच्चे से देख लो, खुले केस देख लो। देखिए इस बंद में थोड़ी गुप्त रूप से द्रौपदी ने बताया कि भगवान कन्हैया एक बात सुने, मगर दीप की, मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। बहुत सुंदर, अगर इस संसार में एक दीपक जला करके रख दिया जाए तो ये संसार में उजाला नहीं होगा, नहीं होगा। कि उत्तर क्यों ना आए नखत सब गगन के, अगर पूरे तारे गगन के अगर नीचे आ जाए, उत्तर क्यों ना आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। जिसके पाप भरा हुआ है अंदर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। न मिटे द्वेष देख लो,
न मिटे द्वेष देख लो, खुले केस देख लो, भगवान कन्हैया से द्रौपदी ने कहा कि सुनो कन्हैया, करो याद थोड़ी बिरन उस घड़ी की। क्या बात है याद दिला रही है द्रौपदी कि बोतनी याद होगा तुम्हें, करो याद थोड़ी बिरन उस घड़ी की, सभा बीच मेरी जो खींची थी साड़ी, दिखा जांग अपनी कहे नीच मुझसे, तुम बैठो यहाँ पे सभा देखे सारी। दादा एक टुकड़ी याद आ रही है, अगर शायद आप लोगों को अच्छी लगे। किसी ने कहा है क्या, सुर्खियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव, और सुर्खियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव, सुर्खियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे होगा होगा नशा जो तैयार, वो प्यार है सुर्खियों में घोला जाए फूलों का सवार, सुर्खियों में घोला जाए फूलों का सवार। द्रौपदी ने कहा कि तुम्हें पता है इस दुष्ट ने उस दिन जो कहा था, महफिल में बुलाई जाए हूर लाजवाब, महफिल में बुलाई जाए हूर लाजवाब, देखना है इस पे कैसा छाया है सवाब, देखना है इस पे कैसा छाया है सवाब, देखना है इस पे कैसा छाया है सवाब, करना है क्या बात, करना है इसे पे नकाब, करना है इसे बेनकाब, सरियाम है महफिल में बुलाई जाए हूर लाजवाब, महफिल में बुलाई जाए हूर लाजवाब। बात वही वही द्रौपदी कह रही है, ओ घड़ी की, क्या बात है, सभा बीच मेरी जो खींची थी साड़ी, दिखा दिखा जाएंगे अपनी कहे नीच मुझसे, तुम बैठो यहीं पे सभा देखे सारी। क्या बात है, तो द्रौपदी कह रही है वही दिन उसी दिन से प्रतिज्ञा भी थी और एक बात और थी, लगी ठेस देख लो, लगी ठेस देख लो, खुले केस देख लो, खुले केस देख लो, खुले केस देख लो।
आइए, बहुत सुंदर ये कुछ आशीर्वाद प्रदान हुआ है हमारे दिनेश तोमर जी के द्वारा, तोमर जी के कार्यक्रमों द्वारा। आइए हार्दिक हार्दिक बंधन। देखिए आखिरी बंद सुने इस गीत का, इस गीत में एक विशेषता डाल दी गई है और इसमें जो हमारे जितने भी सहपाठी थे, जो कार्यकर्ता थे, जब मैं अपनी पार्टी चला रहा था उस वक्त उन कार्यकर्ताओं के नाम भी बिल्कुल ऐसे ही जॉइंट किए थे जो होने चाहिए। आइए सुने, सुनिए। न पंखे सुजाओ आराम से बेटा, आराम से। न पंके सुजाओ तुम हस्तनापुर में। पंकज हमारा भाई था जो मेरे साथ रहा करता था, और हरी टेनी सूखी ये रेशम जी और टेनी टाइगर जी, ये दोनों आपस में गुरु भाई हैं। मैं टाइगर जी का शिष्य हूं। हरी टेनी जो उनके गुरु थे हरिओम शर्मा जी जो पटना से हैं, हरी टेनी सूखी ले लौटो वहां से। जो आशाएं ले जा रहे हो वो बिल्कुल मुरझाएंगे। हरी टेनी सूखी ले लौटो।